गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अभी तक देखा कि वो ब्रेथ होल्ड मतलब कि कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी एरन और राइनर पर फेंक देता है एरन को मारने के लिए, जिसकी वजह से एरन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और राइनर एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकालता है और ब्रेथ होल्ड ईमिर को लेकर राइनर के कंधे पर बैठ जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस ब्लास्ट के कारण सभी सोल्जर्स बेहोश हो गए थे। मिकासा भी 5 घंटे बाद जगती है। कमांडर एरविन भी वहां पर आ जाता है। हांजी कहती है कि राइनर जायंट फॉरेस्ट में रुका होगा और इस वक्त वो रात होने का इंतजार कर रहा होगा क्योंकि रात को उन्हें टाइटन्स का खतरा नहीं होगा। और आर्विन सभी सोल्जर्स को फॉरेस्ट की तरफ लीड करता है और हांजी कुछ सोल्जर्स को कॉनी के विलेज में भेजती है कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए। इस तरफ हम एरन और यमिर को देखते हैं जिनके हाथ कटे हुए थे जिससे कि वो टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए और वो चारों तरफ से पूरी तरह से टाइटन्स से घिरे हुए थे। राइनर उन दोनों से पूछता है, कैसे हो यमिर? यमिर उसे कहती है, क्या भाई, लगता है तेरा दिमाग हिल चुका है, इतने सालों से तूने हमें धोखा दिया। यमिर उससे उस बीस्ट टाइटन के बारे में पूछती है जिसने उनके कैसल पर हमला किया था। ये ब्रेथ होल्ड और राइनर दोनों के दोनों उस बीस्ट टाइटन को जानते हैं पर इन्होंने उस वक्त किसी को नहीं बताया था। राइनर यमिर को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है पर तभी उन्हें स्काउट सोल्जर्स के स्मोक सिग्नल्स दिखते हैं जिसका मतलब है वो सोल्जर्स इनकी तरफ ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से राइनर और ब्रेथ होल्ड को वहां से भागना पड़ता है एरन और यमिर को लेकर। इसके बाद हम यमिर का पास्ट देखते हैं जिसे बचपन में एक कल्ट की क्वीन बना दिया गया था और सभी लोग उसे पूजने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ सोल्जर्स को इस कल्ट का पता चल गया और पनिशमेंट के लिए उन्होंने उस सभी के सभी कल्ट के लोगों को एक वॉल के अंदर टाइटन्स में बदल दिया और यमिर भी एक टाइटन में बदलकर 60 सालों तक इधर उधर भटकती रही। पर एक दिन उसने राइनर और ब्रेथ होल्ड के एक दोस्त को खा लिया और वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई और फिर उसने क्रिस्टा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया था। प्रेजेंट में वो सभी के सभी सोल्जर्स इनकी तरफ ही आ रहे हैं। यमिर को उन सोल्जर्स में क्रिस्टा भी नजर आती है और वो ब्रेथ होल्ड से कहती है कि भाई इसे भी हमारे साथ ले चलते हैं और वो भी टाइटन बनकर क्रिस्टा को अपने मुंह में भर लेती है और फिर राइनर आर्मर टाइटन बन जाता है और तेजी से भागने लगता है और बाकी सभी इसके कंधे पर बैठ जाते हैं। मिकासा एरन को देखती है उस आर्मर टाइटन के अंदर जिसके मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी और मिकासा के लिए उस आर्मर टाइटन का आर्मर काटना नामुमकिन था, वो बहुत ही ज्यादा सख्त था। और सभी सोल्जर्स वहां पर आकर ब्रेथ होल्ड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर आ जाए और तभी कमांडर एरविन वहां पर आ जाता है पूरी की पूरी टाइटन फोर्स के साथ और वो सभी के सभी टाइटन्स राइनर पर हमला कर देते हैं। कमांडर एरविन उन सभी को एरन को रेस्क्यू करने के लिए बोलता है पर तभी एक टाइटन कमांडर एरविन के हाथ को काटकर उसे अपने मुंह में डाल लेता है। पर फिर भी कमांडर एरविन रुकता नहीं है और वो सभी के सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। इधर आर्विन एनी का नाम लेकर ब्रेथ होल्ड को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा होता है और आर्विन जिसका एक हाथ कट चुका था उस टाइटन के द्वारा एरन को ब्रेथ होल्ड से अलग कर देता है और मिकासा एरन को लेकर वहां से भागने लगती है। वहीं कॉनी और जीन क्रिस्टा को उठा लेते हैं और सभी सोल्जर्स वहां से भागने लगते हैं और राइनर को वो टाइटन्स खा रहे होते हैं पीछे। राइनर उन सभी को रोकने के लिए टाइटन्स उठाकर फेंकता है उनकी तरफ जिसकी वजह से एरन और मिकासा गिर जाते हैं और तभी एरन के सामने वही टाइटन आती है जिसने उसकी मदर को खाया था उसके बचपन में। तभी हानस वहां पर आ जाता है और बचपन में की हुई अपनी गलती को सुधारने के लिए उस टाइटन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो टाइटन हानस को खा जाती है। एरन इस पूरे सीन को अपने सामने होता हुआ देख रहा था। फिर से एरन अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था इसलिए वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। इधर जीन और आर्मिन भी टाइटन से घिर चुके थे। एरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस टाइटन पर मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन वो टाइटन अपने हाथ से ही उसके मुक्के को रोक लेती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे टाइटन आकर उस फीमेल टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसे खा जाते हैं और इसके बाद एरन राइनर पर हमला करने के लिए कमांड्स देता है उन टाइटन्स को और वो टाइटन्स राइनर पर अटैक कर देते हैं। इस मुक्के का फायदा उठाकर वो सभी के सभी सोल्जर्स वहां से भागने लगते हैं पर यमिर राइनर की हेल्प करने वहीं पर रुक जाती है और ब्रेथ होल्ड राइनर और यमिर तीनों बच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसके बाद हांजी कंफर्म करती है कि वो जो टाइटन्स थे जो हमारी ही हेल्प कर रहे थे अभी वो सभी के सभी कॉनी की विलेज के ही लोग थे और वो जो टाइटन था जो चल नहीं पा रहा था वो कॉनी की मदर थी, जिसका मतलब है कि ये सभी के सभी टाइटन्स एक वक्त पर इंसान हुआ करते थे और कॉनी के विलेज के ही लोग थे। और दूसरी तरफ हम उस बीस्ट टाइटन के ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं और इसके अंदर बैठे इंसान का नाम जीक है। राइनर ने एरन को इसीलिए किडनैप किया होता है क्योंकि एरन के पास एक ऐसी पावर है जो किसी भी टाइटन के पास नहीं है जिसे कोऑर्डिनेट टेक्निक कहा जाता है जिससे एरन प्योर टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और तो और यमिर को उन लोगों ने इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि यमिर के पास उनके फ्रेंड की टाइटन पावर है। अब इसके बाद हम वॉलरोज के बाद एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं जहां कैप्टन लेवाई की नई स्क्वाड छुपी होती है जिसमें इंक्लूड है एरन, आर्मिन, मिकासा, कॉनी, शाशा, जीन और हिस्टोरिया भी। और इन सभी का काम था एरन को प्रोटेक्ट करना और ये सभी लोग यहां पर छुपे हुए थे और साफ सफाई कर रहे थे। इसके बाद लेवाई एरन को हांजी के पास लेकर जाता है और हांजी जंगल के अंदर एरन की टाइटन एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि एरन जल्द ही हार्डनिंग पावर को मास्टर करके वॉलरोज के उस होल को सील कर पाए और शिकांशिना डिस्ट्रिक्ट को वापस ले पाए और फिर एरन के घर में जाकर उसके बेसमेंट का सीक्रेट जान पाए। पर एरन वो हार्डनिंग एबिलिटी को मास्टर नहीं कर पाता है और बार बार टाइटन बनने की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और अब उसका टाइटन भी काफी कमजोर दिखने लग गया था। एक बार तो एरन उस टाइटन की बॉडी से निकल ही नहीं पाता है और मिकासा उसे काट कर बाहर निकालती है। एरन की इस हालत को देखकर मिकासा गुस्सा जाती है और कहती है, अबे ओ ये क्या लगा रखा तूने, मारेगी इसे तू? और मिकासा उसे माफी मांगती है और कहती है, सॉरी मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया आज। और हांजी उन सभी को कहती है, ठीक है एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, चलो सभी लोग वापस चलें और हमारे यहाँ पर होने के सभी सबूतों को मिटा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे। उसी शाम को लेवाई ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्विन से मिलने जाता है और उसे एरन के एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि लगता है हमें वो शिकांशिना वाला जो मिशन था हमारा उसे अभी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा है ठीक से और हमें पास्टर निक की बात पर फोकस करना चाहिए कि
हिस्टोरिया क्या जानती है उस वॉल के बारे में, इसका क्या लेना देना है इससे। और कमांडर एरविन उसे बताता है कि उसने थोड़ी रिसर्च करी है इसके बारे में और उसे पता चला है कि हिस्टोरिया लॉर्ड राइस की बेटी है और वह रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। अब इसके बाद हांजी पास्टर निक से मिलने जाती है, पर उसे पता चलता है कि पास्टर निक का किसी ने मर्डर कर दिया है और मिलिट्री पुलिस का कहना था कि ये काम किसी क्रिमिनल वगैरह ने किया होगा। लेकिन हांजी को पता चल जाता है कि निक को टॉर्चर करके मारा गया है क्योंकि उसकी उंगलियों से सभी के सभी नाखून गायब थे। वो मिलिट्री पुलिस का सोल्जर हांजी पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, अबे वो तुम्हें और के काम नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना इसे किसी क्रिमिनल ने मारा है, जाओ तुम यहाँ से। अब हांजी उस सोल्जर का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसकी उंगलियां लाल पड़ी हैं और वह समझ जाती है कि इन्हीं गार्ड्स ने पहले पास्टर निक को टॉर्चर किया और उसे बेरहमी से मार दिया। ये निशान पक्का मुक्कों की वजह से आया होगा। हांजी उसे पूछती है, भाई क्यों किया है तुमने ऐसा? पर वह सोल्जर अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा होता और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, जाओ यहाँ से, हमने नहीं मारा उसे, तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा मैं, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। और हांजी जाते जाते उसे बोलती है, ठीक है सर मैं जाती हूँ, पर अगर आप उस क्रिमिनल को पकड़ लो ना कभी तो उसे मेरा ये मैसेज जरूर देना कि जिस तरह से उसने पास्टर निक को टॉर्चर करके मारा था, मैं उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक तरीके से टॉर्चर करके मारूंगी उसे। हांजी ये पूरी बात अपने सोल्जर्स को बताती है और लीवाई उन्हें कहता है, भाई पक्का गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमें उन टाइटंस के सीक्रेट के बारे में पता चले, क्योंकि इस पास्टर निक ने ही हमें बताया था हिस्टोरिया के बारे में, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे ठिकाने लगा दिया। पक्का यही बात है भाई, और तो और मुझे लग रहा है हमारी जानों को भी खतरा है यार। और इस तरफ कमांडर अरविन को भी मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। इस बात का लीवाई को पता चल जाता है और वो अरविन एरिन इन सभी को कहता है, जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दो, हमारे यहाँ पर होने के सभी सबूतों को मिटा दो, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। और तभी थोड़ी देर बाद ही मिलिट्री पुलिस उस जगह पर रेड मारने वहाँ पर आ जाती है, लेकिन लीवाई और हांजी की स्क्वाड पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। और वो सभी के सभी लोग उन सोल्जर्स को देखते हैं एक दीवार पर खड़े होके। लीवाई लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट ने सभी सर्वे कॉप्स की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है और उनका ऑर्डर है कि वो एरिन और हिस्टोरिया को गवर्नमेंट के हवाले कर दे और हमें पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है, कौन ये सब कर रहा है। और इसके लिए उन्हें ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, वहाँ भीड़ में छुपना ज्यादा आसान होगा, यहाँ पर उनकी जानों को खतरा है। अब स्क्वाड दो पार्ट्स में बट जाती है, एक थी हांजी की स्क्वाड और एक थी लीवाई की। हांजी की स्क्वाड एक दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है, पर जाने से पहले एरिन हांजी को एक पर्चा देता है जिसमें उसने वो सारी की सारी कन्वर्सेशंस की लिखी हुई थी जो ब्रेथहोल्ड और राइनर ने करी थी जब उसे किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद लीवाई की स्क्वाड रोज डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है और एरिन और हिस्टोरिया की प्रोटेक्शन के लिए जीन और अरविन एरिन और हिस्टोरिया होने का नाटक करते हैं। लीवाई की स्क्वाड देखती है कि राजा फ्रिट्स अपने खजाने से लोगों में राशन बंटवारा था ताकि इससे लोग राजा के कंट्रोल में रहें और वह जो कुछ भी करें उसमें लोग उनका सपोर्ट करें। और तभी एक घोड़ा गाड़ी तेजी से इनके पास से गुजरती है और जीन और अरविन को एरिन और हिस्टोरिया समझकर किडनैप कर लिया जाता है, जबकि असली के एरिन और हिस्टोरिया एक दूसरी गाड़ी में थे। लीवाई और मिकासा इन किडनैपर्स का पीछा करके इनका ठिकाने का पता कर लेते हैं और ये किडनैपर अरविन को लड़की समझकर उसे तंग कर रहा होता है। और तभी मिकासा वहां पर आकर उन किडनैपर्स को बहुत ही आसानी से हरा देती है और उन सभी को पीट कर उन्हें बंदी बना लेते हैं वो लोग और अरविन और जीन को आजाद कर लेती है। और इधर लीवाई अपनी एक सोल्जर के साथ उस गाड़ी पर नजर रखे हुए था जिसमें असली वाले एरिन और हिस्टोरिया थे, लेकिन लीवाई को कुछ गड़बड़ लगती है और तभी कैनी द रीपर वहां कर लीवाई और निफा पर शॉटगन फायर कर देता है जिससे लीवाई तो बच जाता है लेकिन उसकी साथी सोल्जर की मौत हो जाती है। असल में उन्हीं रॉयल गार्ड्स ने कैनी द रीपर और उसकी स्क्वाड को लीवाई के पीछे लगाया था इन्हें खत्म करने के लिए, और एरिन और हिस्टोरिया को गवर्नमेंट के पास वापस लाने का ऑर्डर दिया था इन लोगों को। ये लोग प्रोफेशनल किलर्स हैं और कैनी के लोग लीवाई के बाकी के स्क्वाड के मेंबर्स को मार देते हैं और लीवाई को चारों तरफ से कैनी की स्क्वाड घेर लेती है। कैनी लीवाई पर शॉटगन फायर करता है लेकिन लीवाई किसी न किसी तरीके से उससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। कैनी की पूरी स्क्वाड लीवाई को घेरने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी लीवाई इनकी पकड़ में नहीं आ रहा होता और तभी कैनी की स्क्वाड एरिन और हिस्टोरिया के पीछे पड़ जाती है और वो लोग एरिन और हिस्टोरिया को एक नशीला डार्ट मारकर बेहोश कर देते हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। लीवाई एक बार के अंदर जाकर छुप जाता है, कैनी भी उसके पीछे वहां पर आता है और कैनी की स्क्वाड ने इस बार को चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब लीवाई एक तरकीब लगाता है और एक चेयर को विंडो से बाहर फेंकता है और उस बार के ऊपर खड़े उन लोगों को लगता है कि ये लीवाई है और वो उस पर फायर कर देते हैं। पर तभी लीवाई एक दूसरी विंडो से आता है बाहर और उस छत पर खड़े सोल्जर को मार देता है और वो बाकी के दो सोल्जर्स को भी अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। और तभी मिकासा और बाकी के लोग भी लीवाई के पास आ जाते हैं पर कैनी की स्क्वाड लीवाई के स्क्वाड को हरा कर एरिन और हिस्टोरिया को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरफ वो राजा पैलेस के अंदर अपने कुछ मंत्रियों से बात कर रहा होता है कि अब इन एरिन और हिस्टोरिया का क्या किया जाए। और तभी उन्हें खबर मिलती है कि रोड राइज ने एरिन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया है तो उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ हांजी और मॉबलेट कमांडर अरविन से मिलने आते हैं जिसे मिलिट्री की कस्टडी में रखा होता है और वो कमांडर अरविन को बताती है कि एरिन और हिस्टोरिया को फिर से किडनैप कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो एरिन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। इसके बाद लीवाई और मिकासा उन किडनैपर से बात करने जाते हैं जिन्होंने अरविन और जीन को किडनैप किया था और इनके लीडर का नाम डीमो है। लीवाई डीमो से कहता है कि वो प्लीज उनकी मदद करे, डीमो मान जाता है और डीमो दो रॉयल गार्ड्स जिनका नाम राफ और सेनेस है उन्हें किसी बहाने से लीवाई की बताई हुई जगह पर ले आता है जहां लीवाई स्क्वाड ने पहले से एक जाल बिछाया हुआ था और लीवाई का स्क्वाड उन दोनों रॉयल गार्ड्स को घेर लेती है और बंदी बना लेती है। लीवाई का स्क्वाड सानस को टॉर्चर करती है लेकिन सानस उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अपने राजा के लिए वफादार होता है। पर थोड़ा और टॉर्चर करने के बाद सानस उन्हें सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि रोड राइज ही रॉयल ब्लड है और इस वक्त जो राजगद्दी पर बैठा है वो बस एक पपेट है और हिस्टोरिया रोड राइज की बेटी है और उस राजगद्दी की असली हायर है और एरिन और हिस्टोरिया इस वक्त वही होंगे जहां पर रोड
सरप्राइज है। और उसी रात को कैनी डीमो का गला काट देता है क्योंकि उसने लीवाई का साथ देकर गद्दारी की थी। और दूसरी तरफ हम रोड राइज को देखते हैं जो कि अपनी हिस्टोरिया को देखकर उसे गले लगा लेता है। और एरन भी वहां पर पड़ा होता है जो कि बेहोशी में होता है। के बाद हमें क्रिस्टा या हिस्टोरिया के बचपन को दिखाया जाता है। हिस्टोरिया ने अपना पूरा का पूरा चाइल्डहुड एक फार्म में बिताया था और उसकी मदर हमेशा उसे इग्नोर किया करती थी और बुक्स पढ़ती रहती थी। एक दिन हिस्टोरिया अपनी मदर को गले लगाने के लिए उसके पास जाती है लेकिन उसकी मदर उसे हटाकर दूर फेंक देती है और हिस्टोरिया की मॉम कहीं और रहने चली गई और फिर हिस्टोरिया ने कभी उसे वापस नहीं देखा। इसके कुछ सालों बाद जब वॉल मारिया पर अटैक हुआ था तब हिस्टोरिया पहली बार अपने फादर से मिली थी जो कि था रोड राइज, जिस फार्म पर वो बड़ी हुई थी उसका मालिक। और वो वहां पर आकर उसे कहता है कि वो अब से उसके साथ ही रहेगी। रोड के साथ हिस्टोरिया की मॉम भी वहां पर आई हुई थी। रोड उसे लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन कैनी उसे घेर लेता है और कैनी हिस्टोरिया के सामने ही उसकी मॉम को मार देता है। और इसके बाद कैनी हिस्टोरिया को भी मारने उसके पास आता है लेकिन रोड कैनी के साथ मिलकर एक डील करता है कि वो हिस्टोरिया को जिंदा छोड़ दे और उसे कहीं दूर एक शांत जिंदगी जीने के लिए भेज दिया जाए। कैनी इस पर मान जाता है और हिस्टोरिया को एक नकली नाम दिया जाता है जो कि था क्रिस्टा लेंस। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और रोड हिस्टोरिया से माफी मांगते हुए उसे कहता है, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे मजबूरी में तुम्हें अपने से अलग करना पड़ा, नहीं तो वो लोग उसे मार देते। रोड उसे बताता है कि वो असली रॉयल ब्लड फैमिली से बिलोंग करती है जिस वजह से वो काफी स्पेशल है। इसके बाद हांजी लीवा स्कॉट को बताती है कि एरन को कोई क्यों खाने वाला है। एरन ने हांजी को जो नोट दिया था उसमें ईमिर और ब्रेथहोल्ड की कुछ बातें लिखी हुई थी जो कि उसने तब सुनी थी जब उसे किडनैप कर लिया गया था राइनर के द्वारा। और इससे उन्हें पता चला कि ईमिर भी एक प्योर टाइटन हुआ करती थी और एक दिन उसने राइनर और ब्रेथहोल्ड के एक दोस्त को खा लिया जो कि एक टाइटन शिफ्टर था और ऐसा करने से ईमिर वापस इंसान बन गई थी और उसे भी टाइटन्स की पावर मिल गई। अब इसके बाद कमांडर पिक्सिस कमांडर एरविन से मिलने आता है। एरविन ने उसे एक लेटर भेजा हुआ था और एरविन उसे बताता है कि अगर वो लोग वॉल मारिया को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें अभी की सरकार को ओवरथ्रो करना होगा और अगर उसका प्लान सक्सेसफुल रहा तो ये काम बिना किसी खून खराबे के हो जाएगा आराम से, बस उन्हें उनका साथ देना होगा। तभी हांजी वहां पर आ जाती है और वो हिस्टोरिया से रिलेटेड सारी की सारी खबर कमांडर एरविन को बता देती है और कमांडर एरविन पिक्सिस को भी सब कुछ बता देता है कि असली रॉयल फैमिली कौन है। और एक बार लीवाई की स्क्वाड असली हिस्टोरिया को रेस्क्यू कर ले तो वो लोग हिस्टोरिया को यहां की क्वीन बना देंगे और पिक्सिस एरविन के इस प्लान के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद पिक्सिस वहां से चला जाता है और एक सोल्जर वहां आकर एरविन को बताता है कि उस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। एरविन समझ जाता है कि उसे रास्ते से हटाने की ये एक साजिश है और वो हांजी को ऑर्डर देता है कि वो लोग तुरंत यहां से भाग जाएं। और हां हांजी तुम लीडर हो अब। वो सोल्जर एरविन को कोर्ट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और रास्ते में वो देखता है कि डीमो जिसे दरअसल उस कैनी ने मारा था उसकी मौत का इल्जाम कमांडर एरविन पर लगा दिया जाता है मिलिट्री सोल्जर्स के द्वारा। और इस झूठे इल्जाम में कमांडर एरविन के साथ साथ बाकी के सर्वे कॉप्स को भी पकड़ लिया जाता है पर हांजी और मॉबलेट वहां से भाग निकलते हैं सही टाइम पर। इसके बाद कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है और हमें उस कहानी के बारे में बताया जाता है जो कि कमांडर एरविन ने पिक्सिस को बताई होती है। एरविन के फादर एक टीचर थे और उसके फादर ने उसे एक दिन बताया कि ये जो गवर्नमेंट की जो हिस्ट्री बुक्स है ना वो झूठ से भरी हुई है बेटा। और वो एरविन के साथ एक थ्योरी भी शेयर करता है जो कि थी कि जब 100 साल पहले ह्यूमैनिटी अपनी जान बचाकर इस वॉल के अंदर आई थी तब राजा ने सभी की मेमोरीज को बदल दिया था जिससे उन पर राज करना आसान होगा। पर गवर्नमेंट को पता चल गया था कि उसके फादर को सब कुछ पता चल चुका है असलियत के बारे में, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। एरविन को लगता है कि गवर्नमेंट को ह्यूमैनिटी को बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जो भी उनकी राजनीति या पॉलिटिक्स पर सवाल उठाएगा उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उन्हें पहले इस लालची सरकार को बदलना होगा। और लीवा स्क्वाड को छोड़कर सभी के सभी स्काउट के सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और सभी जगह लीवा स्क्वाड को ढूंढने वाले वांटेड पोस्टर्स बांटे जा रहे थे कि भाई अगर किसी को ये लोग दिखे ना तो वो तुरंत पुलिस को खबर करें, उन्हें हम मोटी रकम देंगे, कम से कम 7-8 करोड़ तो देंगे भाई तुम्हें। जीन चुपके से एक पोस्टर ले लेता है उनके हाथ से और मिकासा और अरमिन अपना सामान लेकर वापस जंगल में चले जाते हैं जहां वो लोग छुपे हुए थे। और वो लीवा को बताते हैं कि मिलिट्री पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट छपवा रही है जगह जगह और सभी के सभी रोड्स भी बंद है, हर जगह तलाशी चल रही है। लीवा ने कहता है कि हमें जल्दी करना होगा, हमें जल्द से जल्द रोड राइज तक पहुंचना होगा और एरन और हिस्टोरिया को बचाना होगा। और अगले दिन हिच और कार्लो नाम के दो सोल्जर्स एरविन को पकड़ लेते हैं जो कि एक नदी के किनारे पानी भर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे अरेस्ट कर पाते लीवाई और मिकासा वहां आकर उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और हिच और मार्लो के वेपन्स को छीन लिया जाता है। लीवाई का प्लान था कि उसकी स्क्वाड के दो मेंबर्स हिच और मार्लो की जगह मिलिट्री पुलिस में घुसपैठ करेंगे और एरन की एक्चुअल लोकेशन का पता लगाएंगे और इससे वो नाकाबंदी को भी आसानी से पार कर पाएंगे। इसके बाद मार्लो और हिच लीवाई स्क्वाड को एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहां कम से कम ऑफिसर्स थे। लीवाई उन दोनों को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और अपनी पोजीशंस पर वापस जाने के लिए कहता है इससे पहले कि उन पर किसी को शक हो जाए और वो दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद लीवाई स्क्वाड चेक पॉइंट पर अटैक करके सभी के सभी ऑफिसर्स को बंदी बना लेती है और लीवाई इंटीरियर पुलिस के ऑफिसर से पूछताछ करने लगता है। इस तरफ ट्रोस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिगल उसे पता होता है कि एक्चुअल में उसके फादर का कत्ल मिलिट्री वालों ने ही किया है, इन स्काउट्स के सोल्जर्स ने नहीं। और मिलिट्री के सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। फिगल उन सोल्जर से कहता है ठीक है तुम मुझे मार सकते हो लेकिन तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, प्लीज मरने से पहले मुझे इस चीज का जवाब दो प्लीज। रॉजर नाम का एक ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने स्काउट्स के सोल्जर के साथ हाथ मिलाकर उन्हें धोखा दिया था इसीलिए वो मारा गया और उसे एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करने के लिए भी मिलिट्री ने ही फोर्स किया था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता। ये सुनकर फिगल का सारा डर खत्म हो जाता है और तभी हांजी और मॉबलेट वहां पर आकर रॉजर और उसके साथियों को पीट दे
देते हैं। इसके बाद हांजी चिल्लाकर कहती है, हाँ वी सुना तुम लोगों ने कि नहीं। और फिर रॉजर देखता है कि वो खाली बिल्डिंग सैकड़ों लोगों से भरी हुई थी। असल में हांजी ने ही ये जाल बिछाया होता है ताकि उस ऑफिसर का सच पब्लिक के सामने आ जाए कि डीमो को एक्चुअल में किसने मारा था, और रॉजर का असली सच उन सभी के सभी लोगों के सामने आ जाता है। और इस तरफ रात को लीवाई एक ऑफिसर को पीटकर उसे पूछता है, बताओ मुझे एरन और हिस्टोरिया कहां पर हैं। लेकिन वो सोल्जर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता और कहता है, तुम सभी लोग सरेंडर कर दो वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो आर्विन का होने वाला है। पर लीवाई उस सोल्जर को टॉर्चर करना जारी रखता है और फाइनली वो सोल्जर अपना मुंह खोल देता है और कहता है, ठीक है अरे मैं सच कह रहा हूं यार, मुझे नहीं पता तुम्हारा दोस्त कहां पर है। तभी मिकासा भी वहां पर आ जाती है और शाशा नोटिस करती है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और वो सोल्जर कहता है, अब तो गए बेटा तुम, अब नहीं बचने वाले। और इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कमांडर एडविन को बुरी तरह से पीटा गया होता है और एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि कल उसकी राजा के सामने पेशी है और कल ही पता चलेगा कि उन स्काउट के सोल्जर्स के साथ क्या करना है उन्हें। अगले दिन कमांडर एडविन को राजा और बाकी के मिनिस्टर के सामने पेश किया जाता है और एक मिनिस्टर बोलता है, तो अब इसको मारने के बाद उन वॉल्स का राज राज ही रहेगा और इस वॉल के अंदर शांति बनी रहेगी। इसके बाद कमांडर से पूछा जाता है कि हां भी मरने से पहले क्या इच्छा है तुम्हारी। एडविन उन सभी लोगों से कहता है, क्या आप लोगों को पता है सर्वे कॉप्स ह्यूमैनिटी के लिए भले का काम करती है। अगर दूसरी वॉल रोज भी टूट गई ना बेटा तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई भी भाला नहीं होगा, सब के सब मारे जाओगे तुम। और फिर उन सभी के सभी लोगों को जो वॉल रोज के अंदर होंगे उन्हें वॉल सीना के अंदर आना पड़ेगा। लोग ज्यादा होने की वजह से खाने की सप्लाई कम हो जाएगी और लोगों को रिसोर्सेज के लिए आपस में ही लड़ना पड़ेगा। और इस तरह से वॉल सीना और वॉल रोज के अंदर के सभी लोगों में सिविल वॉर छिड़ जाएगी और तुम लोगों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और अगर तुम लोग इसे रोकना चाहते हो तो हमें वॉल मारिया को सबसे पहले तो वापस लेना होगा और ये काम सिर्फ सर्वे कॉप्स ही कर सकती है, तुम लोगों के बस की बात नहीं है ये। इसलिए अगर तुम लोग हमें मार देते हो तो इससे अल्टीमेटली फ्यूचर में तुम लोगों को ही नुकसान होगा। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये बंदा बात तो सही कह रहा है भाई, ऐसा हो तो सकता है। तभी एक मिनिस्टर अरविंद की बात को टालते हुए कहता है, अबे ओ हम यहाँ पे तेरी बकवास सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं बल्कि तुझे सजा सुनाने के लिए यहाँ पे तुम्हें बुलाया गया है, ठीक है ना। अरविंद से कई बार बोला गया कि वो एरन को गवर्नमेंट के हवाले कर दे, अरविंद ने उन लोगों की नहीं सुनी। वो लोग कहते हैं कि एरन को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है और तो और उसी ने डीमो रीव्स को भी मरवाया है। इसके बाद वो सभी के सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए और तभी एक नोबल डिसाइड करता है कि डीमो रीव्स के कत्ल और ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए अरविंद को मौत की सजा देनी चाहिए और इसे तुरंत ही फांसी दे दी जाए। और तभी वो सोल्जर्स अरविंद को उठाकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं फांसी के लिए। और तभी अचानक से एक सोल्जर वहां पर आकर उन लोगों को बताती है, सर वॉल रोज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो सभी के सभी टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन वॉल रोज को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, सभी टाइटन्स वॉल रोज के अंदर आ रहे हैं जिससे बचने के लिए सभी के सभी लोग वॉल सीना के अंदर आने वाले हैं। ये सुनकर कमांडर पिक्सिस अपने सभी के सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वॉल रोज के सभी लोगों को वॉल सीना के अंदर ले जाया जाए और सभी के सभी डोर्स को ओपन कर दो और लोगों को रेस्क्यू करना उनकी इस वक्त की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन तभी एक नोबल उन लोगों को कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, सभी डोर्स को क्लोज कर दो, हम वॉल रोज का एक भी बंदा वॉल सीना के अंदर नहीं लेंगे। वो सोल्जर्स उस नोबल से पूछते हैं कि सर ऐसे तो वॉल रोज के सभी लोग मारे जाएंगे, टाइटन्स घुस चुके हैं अंदर, आपने सुना नहीं। वो नोबल उन सोल्जर से कहता है कि अगर उन्हें अंदर ला दिया गया तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और लोगों के अंदर सिविल वॉर छिड़ जाएगी और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारी सरकार लोगों पे से अपना कंट्रोल खो दे। वो सभी के सभी नोबल्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए भाई। एक नोबल कहता है कि अब हमें, अरे चिंता मत करो हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो पावर हमें मिल चुकी है और वो कुछ ही देर में उस वेसल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, हमें लॉर्ड राइज के लौटने का इंतजार करना है बस। जिससे हमें पता चलता है कि बहुत ही कुछ खतरनाक सा होने वाला है, इन लोगों के अंदर कुछ बहुत ही तगड़ा सीक्रेट है। वो नोबल उन सभी सोल्जर्स को कहता है कि भाई जाओ जल्दी से, क्या यहाँ पे खड़े क्या तुम, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से जाके वॉल रोज के सारे दरवाजे बंद कर दो, वो लोग अंदर नहीं आने चाहिए। तभी वहाँ पर सुप्रीम कमांडर जैकरी वहाँ पर आ जाता है और कमांडर पिक्सिस जैकरी को कहता है, सर आ गए आप, मैंने आपको कहा था ना ये सभी के सभी नोबल्स बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। जैकरी उन सभी लोगों को बताता है कि अभी उन्हें जो खबर मिली थी वो झूठी थी, कोई टाइटन वाइटन नहीं आया, वॉल रोज बिल्कुल ठीक है, ये दरअसल एक प्लान था उन लोगों की असलियत को उनके सामने लाने के लिए कि उन्हें ह्यूमैनिटी की कोई चिंता है भी कि नहीं। और कमांडर पिक्सिस उनको बताता है कि अगर तुम लोगों ने वॉल रोज के लोगों को बचाने का ऑर्डर दिया होता तो उन्हें कमांडर एडविन की मौत से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हम लोग जान गए हैं कि तुम्हें ह्यूमैनिटी की कुछ नहीं पड़ी है, इस तरह से तुम लोग ये पूरी कंट्री को खाली कर दोगे, इसीलिए सारा कंट्रोल अब मिलिट्री अपने हाथ में लेगी। पीछे से एक सोल्जर जैकरी को बताती है कि सभी के सभी मिलिट्री वालों को बंदी बना लिया गया है। पिक्सिस ये भी कहता है कि ये जो राजा तुम्हें दिख रहा है ना सामने बैठा हुआ, हाँ जिसने अपने हाथ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये कोई रॉयल ब्लड नहीं है, ये बस एक ढोंगी है साला, और हम लोग किसी सही बंदे को ही इस सिंहासन पे बिठाएंगे, ये फर्जी को नहीं। और इसके बाद मिलिट्री उन सभी नकली नोबल्स को बंदी बनाकर वहां से ले जाती है और कमांडर एडविन को आजाद कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हम लीवाई स्क्वाड को देखते हैं जिनके पास दो अनजान सोल्जर्स आ रहे थे, ये और कोई नहीं बल्कि हांजी और मॉबलेट ही थे। हांजी लीवाई को खबर देती है कि उनका प्लान सफल रहा और सुप्रीम कमांडर जैकरी ने कैपिटल को अपने कब्जे में ले लिया है और उस नकली
असली सरकार को हटा दिया है और एरविन के ऊपर जो मर्डर का चार्ज था वो भी हटा दिया गया है, क्योंकि वो सभी के सभी सिटीजंस ने कोर्ट में गवाही दी है कि उन्होंने अपने कानों से सुना है कि डीमो को मिलिट्री पुलिस वालों ने ही मारा था, कमांडर एरविन ने नहीं। और डीमो के बेटे फिगल ने भी काफी हिम्मत दिखाई और इस खबर को लोकल न्यूज पेपर पे भी छाप दिया था, जिससे उस फर्जी सरकार का नकाब अब उतर चुका है। और इसका मतलब है कि स्काउट्स रेजिमेंट और लीवाई की स्क्वाड अब पूरी तरह से आजाद है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है और अब उन्हें छुपने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर वो सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस तरफ ये लोग खुश हो रहे थे और दूसरी तरफ रॉड रीज और क्रिस्टा ने एरन को उसे चेनों से बांधा होता है। एरन की आंख खुलती है और वो खुद को एक बड़ी सी क्रिस्टल केव के अंदर पाता है। और इस तरफ लीवाई और हांजी अपनी स्क्वाड के साथ बहुत ही तेजी से चैपल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर एरन को बंदी बनाया होता है। हांजी कहती है हमें जल्दी करना होगा वरना वो लोग एरन को खा जाएंगे। उन सभी को एक्सप्लेन करती है कि आरविन ने उसे एक बुक दी थी जिसमें राइज फैमिली के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें लिखा था कि लॉर्ड राइज के 5 बच्चे होते हैं और उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम फ्रीडा था। 5 साल पहले राइज फैमिली के साथ एक घटना हुई थी। उसी दिन जिस दिन कोलोसल टाइटन ने शिगानसिना डिस्ट्रिक्ट पर अटैक किया था, उसी दिन कुछ क्रिमिनल्स ने एरिया के एक इकलौते चैपल पे आग लगा दी थी और किसी कारण से उसी रात को पूरी राइज फैमिली वहां पर प्रे कर रही थी और लॉर्ड राइज को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली मर गई थी। और उसके कुछ दिन बाद ही लॉर्ड रीज हिस्टोरिया को लेने चला गया था। हांजी ने कहती है कि इसका कारण शायद उसका रॉयल ब्लड हो सकता था, रॉयल ब्लड में पक्का कुछ स्पेशल है। और हांजी डिसाइड करती है कि उन्हें उसी चैपल पे जाना चाहिए, पक्का एरन वहीं पर होगा। और रास्ते में आर्मिन सोचता है कि अगर कोई टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खा ले तब उसे वो टाइटन पावर मिलती है और वो वापस से इंसान बन जाता है। तो अगर ये बात सच्ची है तो फिर एरन कब और कैसे टाइटन बना था और उसने किसको खाया था जिससे उसे ये टाइटन पावर मिली। इसके बाद हम एरन को देखते हैं। क्रिस्टल केव में एरन के सामने हिस्टोरिया आती है और उसने वही रॉयल क्लोथ्स पहने हुए थे। दरअसल ये चैपल एक पवित्र जगह होती है रॉयल फैमिली के लिए और इसी जगह पर ये लोग अपनी टाइटन पावर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया करते थे। और यहाँ पे ये जो क्रिस्टल की दीवारें दिख रही हैं आपको, ये भी किसी के टाइटन पावर्स की मदद से ही बनी हुई हैं। और तभी लॉर्ड राइज वहाँ पर आ जाता है और क्रिस्टा और लॉर्ड राइज एरन की पीठ पर अपना हाथ रख देते हैं। और ऐसा करने से अचानक से एरन को कुछ होता है और उसे पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन ये मेमोरीज उसकी नहीं थी। और इसमें वो देखता है लॉर्ड रीज की फैमिली को, एक टाइटन को, एक जलते हुए चैपल को, एक स्काउट को, उसी बेसमेंट की चाबी को जिसके फादर ने उसे दी थी। और आखिर में एरन खुद को ही टाइटन में बदलते हुए देखता है। और टाइटन बनने के बाद एरन ने अपने फादर गिरिशा को ही खा लिया था, जिसकी वजह से वो वापस एक इंसान बन गया, जिससे हमें पता चलता है कि एरन के फादर गिरिशा एक अटैक टाइटन थे और उन्होंने ही एक इंजेक्शन लगाकर एरन को टाइटन में बदल दिया था। और फिर एरन ने अपने ही फादर गिरिशा को खा लिया, जिसकी वजह से एरन वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया और इसकी वजह से ही एरन के पास टाइटन की पावर्स आई थी। अभी एरन उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और लॉर्ड रीज एरन से कहता है, हां भी पता चला तुम्हें तुम्हारे बाप ने क्या किया था असली में। और एरन को छूने की वजह से हिस्टोरिया की भी कुछ मेमोरीज उसे याद आती है, जिसमें वो देखती है कि जब वो फार्म में रहा करती थी पहले तो वहां पे एक लड़की भी थी उसके साथ जिसका नाम फ्रीडा था और उसी ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। हिस्टोरिया की एक बुक में क्रिस्टा नाम की एक लड़की थी पर जाने से पहले न जाने क्यों पर फ्रीडा उसकी सारी की सारी मेमोरीज मिटा देती थी। हिस्टोरिया इसके बारे में रोड से पूछती है और रोड उसे बताता है कि पक्का वो तुम्हारी सौतेली बहन होगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज को मिटा दिया होगा। हिस्टोरिया से पूछती है कि अब फ्रीडा कहाँ है, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। पर रोड्स उसे बताता है फ्रीडा अब इस दुनिया में नहीं रही, फ्रीडा को मिलाकर मेरे 5 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 5 साल पहले एक आदमी ने मेरी पत्नी और मेरे 5 बच्चों को बेरहमी से मार दिया और वो बंदा था एरन का फादर गिरिशा। गिरिशा के पास अटैक टाइटन की पावर थी, फ्रीडा के अंदर फाउंडिंग टाइटन था जो कि सभी के सभी टाइटन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन बनके गिरिशा के साथ फाइट की, लेकिन फ्रीडा वो लड़ाई हार गई और गिरिशा उसे कच्चा चबा गया और उसका फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया और तो और उसने रोड के 5 बच्चों को भी मार दिया। सिर्फ रोड ही वहां पर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। तो पहले हांजी जो किसी क्रिमिनल की बात कर रही थी जिसने चैपल में आग लगा दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि गिरिशा था, एरन का फादर। गिरिशा ने ही उनका फाउंडिंग टाइटन चुराया फ्रीडा को मारकर और उस चैपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये उस टाइम की ही बात है जब कोलोसल टाइटन ने वॉल मारिया पर हमला किया था। हिस्टोरिया से पूछते कि एरन के फादर ने ऐसा क्यों किया और तभी कैनी वहां पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि अबे ओ जो करना है जल्दी करो, बाहर सभी को पता चल चुका है कि वो राजा था जो वो नकली था, गवर्नमेंट गिर चुकी है, स्काउट के सोल्जर्स भी किसी भी वक्त यहां पर आने वाले हैं। इस तरफ कमांडर आर्विन भी अपने सभी सोल्जर्स को लेकर चैपल की तरफ निकल पड़ता है एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए। और इस तरफ लीवाई की स्क्वाड उस चैपल तक पहुंच गई थी जहां उन्हें एक छोटा सा डोर मिलता है जो कि उसी क्रिस्टल केव के अंदर जा रहा था जहां पर कैनी की स्क्वाड नजर रखी हुई थी। वो सभी लोग उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे वहां पर। और फाइट करने से पहले लीवाई उन सभी को बताता है कि तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबला टाइटन से नहीं इंसानों से है, तो अब तुम सभी के सभी लोग मर्डरर्स बनने वाले हो। और इस सीरीज का 5th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।